इम्पॉर्टेंट नोटिस निकल कर आ रही है आप लोगों के लिए 4 वर्षीय बीएड में इसी सत्र से दाखिला, तो इसके रिगार्डिंग क्या कुछ कहा गया है हम लोग वीडियो में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो लोग जैसे कि जो 4 साल का बीएड के लिए इस पर बात चल रहा था पहले से ही, तो इसके रिगार्डिंग बताया गया है 4 वर्षीय बीएड जो आप लोग का होगा, जो कि ग्रेजुएशन और डिग्री का भी मान्यता आपको मिलेगा और बीएड का भी इसी सत्र से होगा इसका दाखिला शुरू। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग नोटिस को देख लेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया इसी सत्र में, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और इसको जूम कर दे रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे इसी सत्र में राज्य में 4 वर्षीय बीएड कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया शुरू होगी। राजभवन में 4 वर्षीय बीएड और बीएससी बीएड कोर्स में दाखिले को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, यानी इसके लिए मंजूरी जो है इसका प्रदान कर दिया गया है। अभी इसका ये सामान्य रूप से अभी ये लागू हो पाएगा। बीएड प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी नालंदा खुला विश्वविद्यालय को दी गई है, यानी ये प्रवेश परीक्षा जो होगा, जो इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा, इसका किसको दिया गया है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी को, नालंदा खुला विश्वविद्यालय को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके रिगार्डिंग दोस्तों जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग फिर यहाँ से देख लेते हैं। इसका नोडल प्राधिकारी डॉक्टर एसपी सिन्हा को बनाया गया है। राज्य में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिला होगा। प्रवेश परीक्षा को 1 माह के अंदर कराने का निर्देश दिया गया है। इंटर पास छात्र छात्राएं बीए बीएड बीएससी बीएड कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब छात्रों को स्नातक तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसमें आवेदन करने वाले परीक्षार्थी को इंटर में सामान्य श्रेणी के, यानी कि जो आप लोग का एंट्रेंस एग्जाम होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो आप लोग का 12th में कितना परसेंट मार्क्स आया है, जो आप 12th पढ़ के आएंगे, चाहे वो साइंस से आए या कॉमर्स से या आर्ट्स से, तो यहाँ पे उसके लिए इंट्रेंस एग्जाम देने के लिए कुछ शर्तें हैं, जो कि जनरल वाले को कुछ लाना होगा। यहाँ पर परसेंटेज बताया गया, इसमें आप लोग देख सकते हैं। तो सामान्य श्रेणी वाले को यहाँ पर छात्रों को 50% अंक, जनरल वाले को यहाँ पर 50% अंक यहाँ पर लाना ही होगा। ओबीसी वाले छात्रों को 45%, यानी जो लोग ओबीसी के अंदर आते हैं उन लोगों को 45% मार्क्स आपका इंटर में यहाँ पे होना ही चाहिए। और एससी एसटी को, जो लोग एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पे 40% मार्क्स इंटर में आपका होना चाहिए, तभी जाकर वे आवेदन कर सकेंगे। अगर आपका इतना मार्क्स 12th में आता है तो आप इसके इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जो प्रवेश परीक्षा होगा, उसमें आप आवेदन कर पाएंगे, नहीं तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सभी कास्ट के लिए शेड्यूल वाइज यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, अब छात्रों को स्नातक तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सामान्य श्रेणी के छात्रों को 45 अंक लाना होगा। 4 वर्षीय बीएड कोर्स के संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सामान्य, यहाँ पर देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 4 वर्षीय बीएड कोर्स के संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सामान्य श्रेणी के छात्रों को 45% अंक प्राप्त करने पर दाखिला होगा। वहीं दूसरे श्रेणी के छात्रों को 40% अंक तय किए गए हैं। नोडल पदाधिकारी डॉक्टर एसपी सिन्हा ने बताया कि इसी सत्र से दाखिला आप लोगों का शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे देख सकते हैं, मंजूरी जो है इसके लिए प्रदान कर दी गई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आप सभी के लिए, 1 महीने के अंदर का यहाँ पे बताया जा रहा है टाइमिंग। तो जो लोग इसके लिए अप्लाई कर, मतलब जो लोग करना चाहते हैं, वो इसके लिए ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। जो लोग नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए।